आप सभी जन की परेशानी को देखते हुए आज अतिक्रमण का कार्य स्थगित कर दिया गया है एवं अतिक्रमण का कार्य फिर से 1 सितंबर दिन गुरुवार सुबह 11 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द अपना सामान खाली कर लें, अन्यथा किसी भी क्षति या हानि की जिम्मेवारी समाप्ति होगी और इसे आप अंतिम नोटिस समझें। नमस्कार, जीएन भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं सोनू कुमार पांडे। रोड चौड़ीकरण कराने को लेकर फ्लाईओवर जो बनने वाला है रातू रोड में, उसको लेकर यहाँ पर सब दुकान को तोड़ा जा रहा है, मतलब रोड चौड़ीकरण को लेकर आगे दुकान है उनको तोड़ा जा रहा है। जैसा कि आपको विजुअल में हम दिखा रहे हैं आपको ना, एक तरफ जो तोड़ा जा रहा है, और यहीं दुकानदारों का कहना है कि अभी तक मुआवजा मिला नहीं है। और आइए जानते हैं, इनसे आपको बात कराते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ मामला है। मुआवजा तो सबको मिल गया, लगभग सबको मिल गया, दो चार आदमी जो है NHI वाला भी बोले हुए हैं, ले जा रहे हैं, लाइनअप करवा दे रहे हैं, जिनका मुआवजा नहीं मिला होगा लाइनअप करवा के एक दो दिन में हो जाएगा। क्या चीज़ सूचना? ये परसों हम लोग 11 बजे फिर हटाएंगे, जिसका मुआवजा मिल गया उसको हटा देंगे। तोड़ने का बोल रहे हैं ना कि परसों 11 बजे, परसों 11 दो दो नोटिस दिया गया, सब नोटिस सटा हुआ है, दोनों नोटिस देखिए वहाँ पे सटा हुआ, हर दुकान के पास सटा हुआ, जितने रैयत है सारे को नोटिस हम लोग दे चुके हैं। हम, मेरा नाम ओम प्रकाश, CEO है हेल्थ आपका। देखिए ये कार्यक्रम जो चल रहा है, इतना देखेंगे ना, इतना हमारा अति डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोग 19 में ये लोग दिया गया था, 18 साल चालू है, 19 में हुआ, उसके बाद कोरोना काल में बंद हो गया था। और कोरोना काल में बंद हो जाने के बाद अभी ढाई महीना पहले फिर से बोले जो हम लोग को चाहिए ज़मीन, तो इसके लेकर के हम लोग मुआवजा के लिए दाखिल किए थे, जो मुआवजा सरकार द्वारा निर्धारित है उसको हमको दिया जाए, तो ये लोग औने पौने देना चाहते हैं। हम कह रहे हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है उसको दीजिए, मकान का और ज़मीन का सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारित है उसको दीजिए, तो बोले नहीं ऐसा ही देंगे। तो उसके लेकर के हम लोग जो है आवेदन बहुत दिए, DC को दिए, से आपका SDO को दिए, भूअर्जन को दिए, NHI को दिए, आपका माननीय विधायक को दिए, माननीय सांसद को दिए, सबों को दिए, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। लास्ट में जो है से कि हम लोग इसको भूअर्जन को हम लोग रीट फाइल भी किए, जो भाई इस तरह का जो हमारा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है उसको दीजिए, हम और को कुछ नहीं चाहिए, और हम सुरक्षा से आपको जो मकान जो है वो भी दे रहे, मकान का जो क्षति हो रहा है और ज़मीन भी जो आप चाहते हैं देना उतना आपको दे रहे हैं, 4 फीट इधर 10 फीट का मार्किंग किए हैं, जबकि मेरा ये छोड़ करके बना हुआ करीब कोई 18-20 फीट छोड़ करके बनाया हो, उसके बाद फिर और इंक्रोचमेंट, हमको जाने दे, मेरा ही ज़मीन को आप इंक्रोचमेंट बोल रहे हो ना, चलो कोई बात नहीं, सरकार का काम है उसमें हम सहयोग करें, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और अभी तक हम लोग पैसा के लिए जो डिमांड किए थे, जो हम लोग उनको जो आकलन दिए थे, जो ये मेरा सब क्षति हो रहा है, इतना मेरा मकान जा रहा है, इतना मेरा ज़मीन जा रहा है, इसका जो संरचना के आधार पर जो आपको मूल्य निर्धारित है सरकार द्वारा उसको दीजिए, निबंधन कार्यालय जो निर्धारित मूल्य है उसको दीजिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं अभी तक कुछ नहीं मिला है, अभी तक नहीं, हम ये खुद का मेरा मकान अपना है, ज़मीन अपना है, और इसके प्रोप्राइटर हम अपने खुद हैं, बगल में भी मेरा है वो, लेकिन आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। ये कितना देगा आनंद जी? ये वाला से जो घर है ये कोई बेच दिया, दूसरे के नाम से आवाज़ बना था, पैसा नहीं दिया है अभी, लोग 6-7 महीना पहले रजिस्ट्री कराया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।